नशे की हालत में घर में घुस कर की हद दर्जे की अभद्रता। मथुरा के थाना हाईवे स्थित शिवनगर कॉलोनी में रहने वाली गुलाबों ने शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर हाईवे थाने में तैनात बताए गए पुलिस कर्मियों की शिकायत की। गुलाबों का कहना है कि गुरुवार की रात्रि करीब 11 बजे थाना हाईवे के राजू गौतम सहित अन्य 3 पुलिस कर्मी नशे की हालत में उसके घर पर आए और किसी अनजान व्यक्ति का पता पूछने लगे। उसके और उसके पुत्र द्वारा पते के बारे में कोई जानकारी ना होने की बात कही गई। इसके बाद उन्होंने उसके छोटे बेटे जो हलवाईगिरी का कार्य करता है उसका नाम पूछा और उसके द्वारा कारण पूछने पर पुलिस कर्मी राजेश गौतम और उसके साथियों ने उसके बेटे खेम सिंह व पुत्र वधु विमला के साथ गाली गलौज करते हुए पूरी तरह मारपीट की और भाग गए। उनकी मारपीट की उनके बेटे ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उससे जबरदस्ती मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। वीडियो बनता देख पुलिस वाले घर से निकलकर भाग गए। उसके और उसके परिवार के साथ कोई घटना इन पुलिस कर्मियों द्वारा की जा सकती थी। इसी भय के चलते आज महिला एसएसपी महोदय से मिलकर एक शिकायती पत्र दिया है। पेश है मथुरा के संवाददाता अनिरुद्ध शर्मा की खास रिपोर्ट। सर यहाँ तो कोई निरंजन गुर्जर रहता नहीं है। फिर बोले अच्छा कहीं और कोई यहाँ कोई नहीं रहता है। फिर उन्होंने कही ठीक है तो गेट लगा लो। गेट लगा लिया 2 मिनट अटके। फिर उन्होंने दोबारा गेट खटखटा के मम्मी से पानी मांगा कि माता जी पानी पिला दो। तो मम्मी पानी भर के लेके आई तो पानी दिया गेट से ऊपर होकर। तो उन्होंने कहा गेट खुल रही होगा, तुड़वाओगी गेट है। तो मम्मी ने फिर गेट खोल दिया। फिर 4 पुलिस वाले आ गए थे, नशे की हालत में थे, पूरे गिर रहे थे। फिर उसके बाद बोल के बुलाओ अपने सबने अपने लड़कों को। तो बुलाया तो मुझे मुझसे कहने लगे कि चल थाने चल तू। मैं थाने क्यों जाऊँ? तो बोले कि तेरे लिए स्पेशल बताना पड़ेगा। मैंने कहा साहब बताओ मैं क्या बात है, मैं फोन अपना नंबर दे जाओ, कोई कोई बात है तो सुबह मैं बात कर लूँगा, क्योंकि तू मुझसे क्या बात करेगा। तो जी हाईवे थाने के बता रहे थे। मैंने कहा साहब अपने इंचार्ज से बात कराओ। तो कोई बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई सर। तो मैंने कहा अपने इंचार्ज से बात कराओ, क्योंकि मैं ही इंचार्ज हूँ और मैं ही SSP हूँ। तो तू क्या इंचार्ज क्या बात करेगा, हर्रा के पड़े मुझ पर। फिर मैंने कहा इनकी वीडियो बनाओ। मैंने अपने फ़ोन निकाला और ऐसे वीडियो बनाया तो मेरे हाथ में से फ़ोन छुड़ाने लगे। फ़ोन छुड़ाने के बाद मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन पकड़ाया। फिर मेरी बहू ने वीडियो बनाई है। वीडियो बनता देख के चारों घर से ऐसे भागे थे जैसे चोर भाग रहे थे और गिरते उड़ते भागते हुए। अच्छा, क्यों आई आज यहाँ पे आप? यहाँ आए कहा था हमारे घर पे रात को पुलिस वाले ने गेट खटखटाया और फिर हमने गेट खोल दिया। उन्होंने नाम पूछा कि यहाँ गुंजर गुंजर देते हैं, नाम गुंजर ने का मन नहीं कर दी उनसे कि यहाँ नहीं देते हैं। तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है तो के बाद दे लो। हमने के बाद दे ली, हम सो गए। फिर कहता फिर आए कि माता जी हमको प्यास लगी है पानी दो। फिर हमने कहा पानी दिया, पानी दिया। हमने गेट पर दिया ऊपर रह गए तो बोले तुम गेट खोल नहीं होगे तुड़वाओगी। मैंने फिर गेट खोल दिया। फिर बच्चा ने मैंने निकाल दिया घर में से, गेट खोलो सब घटनों का। मैंने गेट खोल दिया घटनों का सर इनका। तो उन्होंने फिर चेकिंग करी है। फिर कहा तो कोई बात नहीं, फिर जासो पकड़ के और जाकूँ और झटका से चलने लगे। जाके नहीं है ये बोला मैं चो चलूँ। तो कहे थे जिनने कहा था जाने के वीडियो बना झटकाए थे गुन्ने चारों ने गुथिया लो जी सब जाके लत्ता फत्ता। कौन सी जगह का मामला है? कहाँ का मामला है? वो दिन चौड़ा है। कौन सी पुलिस थी? वो है कश्यप कॉलोनी, शिव कॉलोनी। पुलिस कहाँ की आई थी? हाईवे थाने बता रही है अभी।